हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्नोमिट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको इंग्लिश एकदम भी नहीं आती, यानी कि आपको ज़रा सा भी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप व्हाट्सअप में इंग्लिश में चैट करना चाहते हैं, या किसी फ्रेंड ने आपको इंग्लिश में मैसेज कर दिया है और आपकी समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या रिप्लाई करना है, तो आज की इस वीडियो को आप देखते रहिए और मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो इसके लिए फ्रेंड, जैसे आपको किसी फ्रेंड ने कोई भी मैसेज भेजा है, मान लीजिए लिखा हाय, हाउ आर यू, यहाँ पर हाउ आर यू लिख दिया है, अब आपको नहीं मालूम है कि इसका क्या रिप्लाई करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको दो छोटी छोटी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। पहले का नाम है गूगल ट्रांसलेट, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी आप डाउनलोड कर लें। बहुत सारे मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड रहता है। और दूसरा है आपको गूगल इंडिक कीबोर्ड डाउनलोड करना है, यानी गूगल का कीबोर्ड। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद ये वाला कीबोर्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। सिंपली आपको यहाँ पर जो गूगल बना हुआ है इस पर टैप करना है और यहाँ पर ट्रांसलेट पर टैप कर देना है। अब यहाँ पर डिटेक्ट लैंग्वेज पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं हिंदी कर देता हूँ, तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि भाई आप कैसे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा भाई आप कैसे हो, तो यहाँ पर हाउ आर यू ब्रदर्स ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया। अब रही बात कि आप किसी और भी लैंग्वेज में से लिख सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो अरबिक में, या फिर आपको चाइनीज आती है तो चाइनीज से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब रही बात इसकी कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या लिखा है, तो यहाँ पर हाउ आर यू है, इस पर टैप किए रहिए और यहाँ से आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली चेंज कर लेना है। यहाँ पर आपको कर लेना है इंग्लिश, मैं यहाँ पर नीचे इंग्लिश को ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश कर लिया और इंग्लिश टू हिंदी, और यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। और बीच में जो आपको आइकन दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पर मेरा थोड़ा नेट कनेक्शन स्लो हो गया, मैं फिर से इसे कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ आर यू, क्या हाल है, यहाँ पर ऑलरेडी आ गया, तो आप इसे पता भी कर सकते हैं कि उन्होंने क्या भेजा है और आपको उसका जवाब क्या देना है। तो ये तो हो गई इसकी बात फ्रेंड। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, किसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी खासी इंग्लिश में बात कर सकते हैं बिना इंग्लिश का कोई भी वर्ड जाने। और यहाँ पर आप किसी और लैंग्वेज में भी, जैसे आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं या कोई अदर कंट्री का आपने फ्रेंड बनाया फेसबुक पर, गूगल पर, या किसी भी सोशल नेटवर्किंग पर, और उसकी कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी देश से हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। गुजराती है, और यहाँ पर इंडोनेशियन लैंग्वेज है, जापानीज है, कन्नड़ है, सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये रही वीडियो जो आपकी डिमांडेबल वीडियो थी कि भाई कुछ ऐसा बनाओ, तो मैंने ये वीडियो बना दी। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यार हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय भारत, जय हिंद।